पहले एक बाइक रैश ड्राइविंग में निकल गई और सामने से उसने स्टंटिंग शुरू की। मैंने दोनों बाइक्स वहां से उठाए, दोनों बंदूक को अपने गाड़ी में, छोटे लड़के ही थे, अपनी गाड़ी में डाला ताकि सीन ना हो जो कोई सीन, बड़ा सीन ना हो जाए। देयर विल बी स्ट्रिंजेंट एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। तहसीलदार सोपोर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है बर वक्त जो ये स्टंट कर रहे थे ये दो लड़के, तो इनको बर वक्त जो है काबू करके जो है अपने ऑफिस में लिया। तकरीबन 1:30 बजे के करीब मैं संग्रामा से ऑफिस की तरफ आ रहा था, छानखन ब्रिज पे मैंने नोटिस किया कि जो हमारी बुलेरो थी, पहले एक बाइक रैश ड्राइविंग में निकल गई और सामने से उसने स्टंटिंग शुरू की, उसके बाद और एक बाइक निकली। अब ये कभी एक दूसरे को वेट कर रहे थे, सामने से लोग दोनों तरफ रोड, आपको खुद भी पता होता है रोड कितना बिजी होता है, तो वो ना जिस तरह के आज लड़के करते हैं वही एक्शन उन्होंने सामने से की। तो पहले हमें लगा ये आगे बहुत चले गए थे, पहले हमें लगा कि ये नहीं पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि बीइंग तहसीलदार मैं जिम्मेदार हूँ, चलो कोशिश करते हैं, हो सके अगर मैं यहाँ से हॉर्न बजाऊँ, या हमारे पास बाजर भी इम्पोर्टेंट टास्क के लिए होती हैं। मैंने सोचा नहीं ये और ज़्यादा रैश करेंगे ड्राइंग। इवन मैंने ये फैसला लिया ड्राइवर को, मैंने कहा कि जो हमारा ये आगे बोर्ड है हमारा लगा गाड़ी में, ये भी उठाओ ताकि इनको पता न चले कि कोई हमारे पीछे है। हिम्मत मर्द मदद खुद, हम आगे बढ़े, अचानक इनकी स्पीड कम हो गई और बिल्कुल जो हमें यहाँ पे कॉलेज गेट है उधर मुझे मौका आया, मैंने गाड़ी सामने लगाई, दोनों बाइक्स को वहीं पे रोक लिया विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैंने दोनों बाइक्स वहाँ से उठाए, दोनों बंदूक को अपने गाड़ी में, छोटे लड़के ही थे, अपनी गाड़ी में डाला ताकि सीन ना हो जो कोई सीन, बड़ा सीन ना हो जाए, लेकिन लोग देख रहे थे, वहाँ पे भी लोगों ने अप्रिशिएट किया। ट्रैफिक जाम हो सकता था, मैंने सोचा पहले, इवन मैंने ये भी नहीं देखा कि ये कहाँ के हैं, ऑफिस पास बाय ही था, इधर इनको लाया। अब एक बांडीपुरा का था, दूसरा सोपोर का ही है, अभी हमने इनके रिलेटिव्स को बुलाया है। एक चीज़ में इनको ये इन्होंने मज़ाहमत नहीं की, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, तो थोड़ा मैं भी लीनियंट हूँ, पुलिस के हवाले उनको मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे जहन में एक ख्याल आया कि लोगों के सामने ये एक्ट हुआ, अभी अगर मैं इनको छोड़ूंगा, क्योंकि वी बिलीव इन हेट द सिन नॉट द सिनर, एक मैसेज जाए, उसके लिए मैंने चेयरमैन सोपोर सिविल सोसाइटी आशिक साहब को यहाँ पे बुलाया ताकि एक मैसेज जाए कि तहसीलदार साहब ने जो भी एक्शन की उसका नतीजा क्या निकला, क्योंकि पहले बार हमने ऐसे लड़कों को यहाँ पे पकड़ा, तो एक वार्निंग ही हम न सिर्फ ऐसे बाइकर्स को देते हैं, ड्राइवर्स को देते हैं, बल्कि इनके माँ बाप को भी आज अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हम टॉलरेट नहीं करेंगे। देयर विल बी स्ट्रिंजेंट एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। सबसे पहले मैं तहसीलदार सोपोर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है बर वक्त जो ये स्टंट कर रहे थे ये दो लड़के, तो इनको बर वक्त जो है काबू करके जो है अपने ऑफिस में लिया, तो इसके लिए मैं तहसीलदार सोपोर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और आपकी वसादत से जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा सरमाया है वो हमारे बच्चे होते हैं। खुदारा अपने बच्चों पे जो है निगाह रखिए, अपने आपके जो बच्चे हैं, खासकर जो आपके अंडर एज बच्चे हैं, उनको गाड़ियाँ ना दें, उनको बाइक्स ना दें, क्योंकि आपका बच्चा जो है जब उसकी लाश आपके घर आती है तब जाके जो है आपको पता चलता है, लेकिन उस वक्त बहुत देर हुई होती है। तो मैं तमाम पेरेंट्स को
रिक्वेस्ट करता हूँ, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करता हूँ। आपने रिसेंटली देखा कि किस तरह से श्रीनगर में जो है किलिंग्स हुई, इन 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 ये जो स्टंट्स कर रहे थे बच्चे। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि पेरेंट्स जो है बच्चों पे नज़र रखे, बच्चों को बाइक्स ना दे, बच्चों को जो है गाड़ियां ना दे, और एज अ सोसाइटी जो है सोपोर में ख़ास तौर पर इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस रहेगी। किसी भी बच्चे की कोई सिफारिश नहीं होगी इस हवाले से। जो भी बच्चा जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ में पाया जाएगा तो एज अ सोसाइटी जो है हम उसको कंडम करेंगे, और किसी भी किस्म का सपोर्ट जो है सोसाइटल लेवल पे ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जो है नहीं मिलेगा।